Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear students of 9th class, let's see our today's message. वक्त का ज़िया नहीं करना. Students, आज का हमारा मैसेज है वक्त का ज़िया नहीं करना. हमें ऑलवेज ट्राई करना चाहिए कि हम अपने वक्त को अच्छे कामों में यूटिलाइज़ करें, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है हम किसी भी कीमत पर उस वक्त को वापस नहीं ला सकते. ये मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुद मेरे लिए है और फिर जो है वो आप सबके लिए भी ये मैसेज है कि अपने वक्त को ज़ाया बिल्कुल ना करें. लेट्स सी द मेन क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1 एंड यूनिट टाइटल इज़ द सेवियर ऑफ मैनकाइंड एंड आवर टॉपिक इज़ ट्रांसलेशन. जी स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स. पेज नंबर इज 3. द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत को निजात दिलाने वाले. ये जो है हमने अपने प्रीवियस कुछ डेज से इस यूनिट को स्टार्ट किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आगे जाने से पहले थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँगी, ताकि वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं वो आपके माइंड में आ जाएं इस यूनिट से रिलेटेड. तो इस चैप्टर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो है वो अरब की सरज़मीन के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो है वो अरब के जो लोग हैं उनके बारे में पढ़ा कि वो किस किस्म के लोग थे, उनका जो है वो हाफ़ज़ा किस तरह का था. फिर जो है वो हमने अपने प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि जब वो 38 साल के थे तो वो अपना ज़्यादा वक्त जो है वो गौर व फ़िक्र में गुजारा करते थे, ठीक है, अल्लाह ताला की याद में गुजारा करते थे अपने हफ्ते और दिनों को. जी, उसके बाद जो है वो हमने पढ़ा वो वक्त आ चुका था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही से नवाजा जाना था, तो हज़रत जबील आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया. उसके बाद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए, लोगों को इस्लाम की जो है वो इस्लाम की तरफ रागब करने के लिए वो पुरअज़म हो गए. तो आगे जो है वो हम स्टार्ट करेंगे जो है वो पैराग्राफ 7 को, क्योंकि हम लोग अपने फर्स्ट सिक्स पैराग्राफ्स को कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ चुके हैं. सो स्टूडेंट्स, सी द बुक्स. सिंस दिस बिलीव, कौन सा बिलीव, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग उसकी अशात के लिए उसके बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए थे. सिंस दिस बिलीव वॉज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, ये जो उनका अकीदा था, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कि उठ खड़े थे दीन इस्लाम की तबलीग के लिए, ये मुआशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा पैदा कर रहा था. द पैगन अर्ब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स. कुफारे अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर दबाव डालना शुरू कर दिया. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. चूँकि ये अकीदा मुआशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा पैदा कर रहा था, कुफारे अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर दबाव डालना शुरू कर दिया. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. वो चाहते थे रिनाउंस, छोड़ दें, तर्क कर दें their cause, अपने मकसद को. कौन चाहते थे, यहाँ दे जो है वो पैगन अर्ब्स के लिए प्रोनाउन यूज़ किया गया है, दे, ठीक है. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. वो चाहते थे कि आप अपने मकसद को छोड़ दें और बुतों की पूजा शुरू कर दें, बुतों की जो है वो पूजा को शुरू कर दें. ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल्स काइंड एंड केयरिंग अंकल. एक मौका पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा के पास एक ग्रोह भेजा
दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल्स फ्रॉम द प्रीचिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटीज मैसेज. दे टोल्ड हिम, उन्होंने आपको बताया, आपसे कहा, टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लें किससे, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से, और फेस देयर एनिमिटी, या हमारी दुश्मनी का सामना करें. दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज और फेस देयर एनिमिटी. वो चाहते थे, उन्होंने आपको कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तबलीग से रोक लें या हमारी दुश्मनी का सामना करें. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, अपने आप को पचीदा सूरत हाल में पाकर, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उसे सारी सूरत हाल बताई. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, अपने आप को पचीदा सूरत हाल में पाकर आपके चचा ने अपने भतीजे को बुलाया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और सारी सूरत हाल उनके सामने बयान की. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पोंडेड विद हिज मेमोरेबल वर्ड्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया. अगेन स्टूडेंट्स, इसी पैराग्राफ को देखें. सिंस दिस बिलीव वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, द पैगन अर्ब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स. चूँकि ये अकीदा मुआशरे में उनके जो गलबा था उसके लिए ख़तरा पैदा कर रहा था, कुफारे अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर दबाव डालना शुरू कर दिया. दे वॉन्टेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, वो चाहते थे कि आप अपने मकसद को छोड़कर बुत परस्ती को इख्तियार कर लें. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kind and caring uncle. एक मौका पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वा अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा के पास एक वफ्द, यानी कि एक ग्रोह को भेजा. दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वा अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज और फेस देयर एनमिटी. उन्होंने आपसे कहा कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वा अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रोक लें या हमारी दुश्मनी का सामना करें. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, अपने आप को पचीदा सूरत हाल में पाकर आपने अपने भतीजे को बुलाया और उसे जो है वो सारी सूरत हाल बयान की. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रिस्पोंडेड विद हिज मेमोरेबल वर्ड्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया. माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड द मून इन माई लेफ्ट, इफ़ दे पुट द सन, अगर ये सूरज को रख दें, इन माई राइट हैंड, मेरे दाएँ हाथ में, एंड द मून, और चाँद को, इन माई लेफ्ट, मेरे जो है वो बाएँ हाथ में, इवन देन, हत्ता के, फिर भी, आई शेल नॉट अबैडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह तुहीद, मैं अल्लाह ताला की वहदानियत का बाज़ाबता ऐलान करना नहीं छोड़ूंगा. आई शेल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन दी अर्थ, मैं ज़मीन पर बरहक अकीदे को कायम करूंगा और पैरिश या तबाह हो जाऊंगा इन द अटैम्प्ट, इस कोशिश में. माई डियर अंकल, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड द मून इन माई लेफ्ट, इवन देन आई शेल नॉट अबैडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह तुहीद. आई शेल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पैरिश इन द अटैम्प्ट. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया कि मेरे प्यारे चचा जान, अगर ये मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं में चांद रख दें, मैं फिर भी अल्लाह ताला के बज़ाबता ऐलान जो है उससे नहीं छोड़ूंगा. मैं ज़मीन पर बरहक अकीदे को कायम करूंगा या इस कोशिश में तबाह व बर्बाद हो जाऊँगा.
Now see the eighth paragraph. The Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination. Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ke chacha jaan is qadar mutasir huye, kisse mutasir huye, with his nephew's firm determination. Apne bhatije ke pukhta irade se, that he replied ke unhone jawab diya. The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. Aap sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke chacha is qadar mutasir huye apne bhatije ke mazboot irade se, pukhta irade se, ke aap ne jawab diya, son of my brother, mere bhai ke bete, go thy way, apne raaste par chalte raho. None will dare touch thee. कोई भी तुम्हें छूने की कोशिश नहीं करेगा. आई शैल नेवर फॉरसेक दी. मैं तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने दो वर्ड्स को पढ़ा है. मे बी आपने इन्हें फर्स्ट टाइम सुना हो. दाए एंड दी. स्टूडेंट, ये ओल्ड इंग्लिश के टू वर्ड्स हैं. किस जुबान के हैं? ओल्ड इंग्लिश के. बहुत सी बुक्स ऐसी मिलती हैं कि जिनमें जो है वो ओल्ड इंग्लिश को यूज़ किया जाता है. आजकल जो है वो ओल्ड इंग्लिश का यूज़ ख़त्म हो चुका है. तो जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ये जो दाए है ये है हमारा योर. और ये जो दी है ये है यू. जी स्टूडेंट, ये हमारे ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं दाए एंड दी. और हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है, जो अब वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो हैं योर एंड यू. दाए की जगह योर, दी की जगह यू. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने जवाब दिया, सन ऑफ माय ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाए वे, अपने रास्ते पर चलो. नन विल डेयर टच दी, कोई भी तुम्हें छूने की कोशिश नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें छूने की जुरत नहीं करेगा. आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा. जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारे फर्स्ट यूनिट की ट्रांसलेशन, जिसके आज हमने टू पैराग्राफ्स पढ़े हैं, 7 और 8. मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से समझा और इंटरेस्ट लेकर पढ़ा है, क्योंकि ये लेसन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो स्टूडेंट्स, आपकी डायरी ये है कि आपने इन्हीं टू पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को अच्छे से याद करना है, समझ कर पढ़ना है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.